अरे रोशनी आराम से आराम से, क्या हो गया इतनी जल्दी में उतर रही हो? अगर गिर जाती तो? वो अपना ख्याल खुद रख सकती है रायान। Clearly not. देखा था कैसे उतरी थी तेजी में। ऐसे लोगों का ख्याल खुद रखना पड़ता है। तलाक याफ्ता लड़की का प्रेग्नेंट होना मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारे समझ से ऊपर की बात है ये। खैरियत है इतनी जल्दी में आ रही हूँ? मुझे भूख लगी थी तो सोचा किचन चली जाऊं। अरे किसी मुलाजमा को कह देती। मुलाजमा नहीं थी तभी जा रही थी। तो मैं ले आता हूँ ना, खाना लाओ, अभी लाता हूँ, तुम बैठो। ना ही ये वक्त रहेगा और ना ही राज, समझी तुम? क्या सोच रहे? यही कि ये सब एक हसीन ख्वाब लगता है। हकीकत और भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अभी और भी मरहले बाकी हैं। मामा को तो बता चुका हूं, अब जब तुम कहोगी तो बाकी सबको भी बता देंगे। रायान मैं चाहती हूँ कि आप सबको सब कुछ बता दें, लेकिन फिर डर जाती हूँ कि पता नहीं बड़े अब्बा कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे लगता है उन्हें खुशी होगी। और रानिया? उसे बर्दाश्त करना होगा। रायान आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना, चाहे कोई कितना ही मजबूर करे। मैं कभी मर के भी ऐसा नहीं सोच सकता। फिर वही बात, आपसे कहा है ना ऐसी बातें मत किया करें। आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए, मैं तो कब की हिम्मत हार चुकी थी। जी जो हिम्मत मिली है वो आपसे मिली है। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो और बस अपना ख्याल रखो और कुछ खाओ। अरे 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 क्या कर रही हो, आराम से उतरो, अगर गिर जाती तो? आओ तलाक के बाद तो रायान ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है रोशनी में। ऐसे ख्याल रख रहा था जैसे इसका अपना बच्चा। आखिर इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाऊं मैं?
क्या सोच रहे हैं? रोशनी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। फिर कुछ सोचा आपने उसके मुतालिक? मुझ में तो इतनी खुला की जरूरत भी नहीं कि मैं कुछ कह सकूँ उसके लिए। वैसे वो बच्ची भी कितनी साबिर है। अपनी तलाक उसने सिर्फ इसलिए छुपाई कि कहीं हम उसे झूठा ना समझें। बदले में हमने उसे क्या दिया? अभी भी वक्त है अकील, हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइडिया है तुम्हारे जहन? जी,